नमो सिद्धारं नमो आयरियाणं नमो उवच्छायाणं नमो लोए सव्यसाहूणं मंगलं भगवान वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम् सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्व धर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम मंगल में मंगल करन बीत राग विज्ञान नमो ताहि जाते वये हरे हंता दि महा करि मंगल करियो महा ग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पदरा आचार्य कल्प पंडित श्री टोडेमल जी द्वारा रचित यह अद्भुत अनुपम ग्रंथ मुच्छमार प्रकाशक जो नौ अधिकारों में निबद्ध है उसके पहले अधिकार पे हमारी चर्चा चल रही है, जिसमें हम अर्यंत आदि से प्रयोजन की सिद्धि कैसे होती है उस पर विचार कर रहे थे कि हमने अर्यंतों को पहले नमस्कार किया क्योंकि हमारी प्रयोजन की सिद्धि अर्यंत प्रविष्टि से होती है, लेकिन प्रयोजन की सिद्धि होती कैसे है उस पर हमारी विचार चर्चा चल रही थी, जिसमें हमने देखा था कि आत्मा के परिणाम तीन प्रकार के हैं और जिनेन्द्र भगवान के स्तवन आदि से उनके स्वरूप के चिंतन से आकार के अवलोकन से उनके वचनों को सुनने से जो हमारे परिणाम हैं वो विशुद्ध रूप होते हैं, मीन्स मंद कषाय रूप होते हैं, और जो पूर्व में यदि हमने एक पापक्रम बांधे हों और यदि हमारे अभी मंद कषाय रूप परिणाम तीव्र हों तो वो परिणाम भी संक्रमित होकर पुण्यरूप हो जाते हैं। इस तरह से हमारे प्रयोजन की सिद्धि अर्यंत आदि से होती है कि वास्तव में जिनेन्द्र भगवान की प्रतिमा के दर्शन से संसार का अभाव निश्चित रूप से होता है, उसमें वो निमित्त रूप से कथन है, लेकिन वो कथन प्रधान निमित्त की ओर से है कि ऐसा होता है। यदि जिनेन्द्र भगवान की प्रतिमा को वास्तव में सही तरीके से सही भावों से सही परिणामों से देखा जाए उस पर विचार किया जाए तो वास्तव में सम्यक दर्शन आदि की प्राप्ति होती है। आचार्य पद्मनंदी ने पद्मनंदी पंचविंशति में लिखा, जिन वर तुम्हारा दर्श पा मन भरा परमानंद से मानो हुआ मैं मुक्त भव से लग रहा ऐसा मुझे, कि जिनेन्द्र भगवान की प्रतिमा के दर्शन करने से उनको कैसा लग रहा है कि मुझे परम आनंद हो गया और मैं मान लो भव से मुक्ति हो गया ऐसा उनको लगा। इसमें उन्होंने और लिखा, जिनवर तुम्हारे दर्श से मम नमन सफली भूत है सींचे गए पीयूष सम तन मन भी शांति प्राप्त है, कि मेरा जो नमन है वास्तव में सफल कब है कब हुआ, जब मैंने आपको नमन किया। मैं अब तक अनादि से मैंने कुदेवों को भी नमन किया लेकिन वो नमन मेरा सफलीभूत नहीं हुआ, मेरा नमन वास्तव में सफल कब हुआ, जब मैंने आपको नमस्कार किया। और कोई नमन सफल कब होता है, किसी उत्तम पदार्थ को नमस्कार करके, तो आप ऐसे उत्तम उत्तम पदार्थ हैं जिनको नमस्कार करने से मेरा नमन भी सफलीभूत हो गया और मेरा तन मन को ऐसी शांति हुई कि मानो मुझे अमृत से सींचा गया हो। तो ऐसे अनेक उन्होंने उसमें जिनेन्द्र प्रतिमा के स्वरूप को बताते हुए उस महिमा को बताते हुए अनेक लिखे उसमें, जैसे उन्होंने लिखा, सब महापाप विनष्ट होते हैं तुम्हारे दर्श से, कि तुम्हारे दर्श से सभी महापाप विनष्ट को प्राप्त होते हैं, भानु उदय पर रात तम कब कहो कैसे टिक सके, कि जब सूर्य का उदय होता है तो उस समय आप ही कहो कि अंधकार कैसे टिक सकता है।
जैसे सूर्य का उदय होने पर अंधकार नहीं टिक सकता, वैसे ही तुम्हारे दर्श करें और पाप हमारे रह जाएं, ऐसा संभव नहीं है। कि हमको क्या लगता है कि जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा के दर्शन से सम्य दर्शन हो जाए, ये बहुत बड़ा आश्चर्य है, लगता है कि नहीं लगता है? लेकिन वास्तव में आश्चर्य नहीं है, आश्चर्य तो ये है कि हम जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा के दर्शन कर रहे हैं और फिर भी हमको सम्य दर्शन नहीं हो रहा है, ये आश्चर्य की बात है। उसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि प्रतिमा को देख के सम्य दर्शन हो जाए, क्योंकि वो प्रतिमा उस स्वरूप को बता ही रही है। जिस स्वरूप को प्रतिमा बता रही है वो स्वरूप हमारी दृष्टि में आ जाए, हमारी श्रद्धा में आ जाए, वो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन प्रतिमा सब कुछ बताते हुए भी हमारी श्रद्धा में वो स्वरूप नहीं आ रहा है, वो आश्चर्य की बात है। तो हम ऐसी जिनेंद्र भगवान की महिमा को लाएं, और वास्तव में जिसको आचार्य कुंद ने नियम सार जी में कलश बारह में लिखा कि ये जो जिनेंद्र भगवान है वो कैसे हैं, भव के भय का भेदन करने वाले हैं। कि जो हमको भव का भय लगा हुआ है उस भव रूपी भय का भेदन करने वाले हैं, और ऐसे भव रूपी भय का भेदन करने वाले जिनेंद्र देव के प्रति यदि हमको भक्ति नहीं है तो हम संसार रूपी समुद्र के बीच में रहे हुए मगर के मुख में हैं। तो हमारी अवस्था कहाँ पर है यदि हमको भक्ति भी नहीं आ रही है? कि वास्तव में यदि हमको जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा को देख के भक्ति नहीं आ रही, मतलब हमको बीत राग भाव रुचता ही नहीं है, हमारी रुचि केवल राग भाव में ही है। तो हम अपने परिणामों पर दृष्टि करें कि वास्तव में जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा के दर्शन से, उनके आकार के अवलोकन से, उनके स्वरूप का चिंतन करने से हमारे परिणाम कैसे होते हैं, हमें रुचि लगती है कि नहीं लगती है, हमारे मन में प्रसन्नता के भाव होते हैं कि नहीं होते हैं, या सिर्फ हमारा नियम है डेली सुबह जिंदर्शन करने का इसलिए आते हैं, या हम जैन हैं इसलिए आते हैं, या फिर कोई हमसे ये ना कहे कि देखो तुम मंदिर भी नहीं आते हो इसलिए आते हैं, मंदिर आते किस लिए हैं, उन परिणामों पर हम दृष्टि करें। तो वास्तव में ऐसे अरिहंत आदि के आकार का अवलोकन करने से, स्वरूप का विचार करने से, वचन सुनने से, उनके निकटवर्ती होने से, या उनके अनुसार प्रवर्तन करने से, कि जैसा उन्होंने, सेकंड पैराग्राफ है पेज नंबर 7 पे, कि जैसा उन्होंने प्रवर्तन किया, जैसा उन्होंने अपने आप को जान के निज की श्रद्धा की और सम्य दर्शन प्रकट किया, हम भी वैसा ही प्रवर्तन करें। और जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा निज के दर्शन कराने में सक्षम है, समर्थ है। बड़े पंडित जी की स्थिति आती है एक, हे वीर नाथ तुम दर्शन कर निज दर्शन करने आए हैं। कि हम तुम्हारा दर्शन इसलिए करने नहीं आए हैं कि तुम भगवान हैं, हम तुम्हारे दर्शन इसलिए करने आए हैं कि हमें निज के दर्शन हो सकें। ये वाक्य आपने पढ़ा हो या मैंने अरिंदो के स्वरूप में लिया था शायद, कि हमने आज तक जिनेंद्र भगवान के दर्शन तो किए, लेकिन जिनेंद्र भगवान ने जिसके दर्शन किए उसके दर्शन हमने आज तक नहीं किए, इसीलिए हमारा अनादि का संसार मिटा नहीं। कि जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने के साथ साथ जिनेंद्र भगवान ने जिसके दर्शन किए, जिस आत्मस्वरूप के दर्शन किए, उसके दर्शन हम करें, तभी वास्तव में संसार का किनारा निकट आ सकता है। तो ऐसी जिनेंद्र भगवान की महिमा है, तो उनके अनुसार प्रवर्तन करने से इत्यादि कार्य तत्काल ही उसी काल निमित्त भूत होकर रागादिक को हीन करते हैं और जीव अजीव आदि के विशेष ज्ञान को उत्पन्न करते हैं। देखो आगम में ऐसी उपमाएं आती हैं कि जिनेंद्र भगवान उस सूर्य के समान हैं जो अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट करने के लिए उदय हुआ है। सूर्य की उपमा जिनेंद्र भगवान को बहुत जगह पर दी गई है, जैसे उसमें श्रीमंदर भगवान की पूजन में आता है, तुम दर्शन ज्ञान दिवाकर हो बीरज मंडित आनंद कंद, तुम हुए सेम में सेम पूर्ण, तुम ही हो सच्चे पूर्ण चंद। कि तुम वो दर्शन ज्ञान रूपी सूर्य हो जो खुद भी दर्शन ज्ञान प्रकट कर रहे हैं और दूसरों को प्रकट कराने में निमित्त भूत भी हो रहे हैं। कि सूर्य स्वयं भी प्रकट हो रहा है और दूसरों को प्रकाश देके दूसरों को भी चलने में, दूसरों को भी अपना मार्ग प्रशस्त करने में निमित्त भूत हो रहा है, वैसे ही आप भी उस सूर्य के समान हो जो दर्शन ज्ञान रूपी सूर्य हो जो खुद भी दर्शन ज्ञान प्रकट कर रहे हो और दूसरों को भी प्रकट कराने में निमित्त भूत हो रहे हो। तो ऐसे जिनेंद्र भगवान हैं, उनके
स्वरूप का अवलोकन, आकार का अवलोकन, स्वरूप का विचार इत्यादि से रागादि हीन होते हैं और जीव अजीव आदि के विशेष ज्ञान को उत्पन्न करते हैं। तो रागादिक जितने अंशों में हीन हुआ उतने अंशों में वितरागता आई और जीव अजीव आदि का ज्ञान जितना उत्पन्न हुआ उतना विज्ञान भाव हुआ। तो ऐसा वितराग विज्ञान जो कि हमारा प्रयोजन है वो उत्पन्न होता है। इसीलिए ऐसे भी अर्यंत आदिक द्वारा वितराग विशेष ज्ञान रूप प्रयोजन की सिद्धि अर्यंत आदिक से होती है। उसके बाद पंडित जी ने प्रश्न उठाया कि यहाँ कोई कहे कि इनके द्वारा ऐसे प्रयोजन की तो सिद्धि इस प्रकार होती है कि कैसे प्रयोजन की सिद्धि, जो वितराग विज्ञान रूपी हमारा प्रयोजन है उस प्रयोजन की तो सिद्धि इस प्रकार होती है जैसा ऊपर बताया कि उनके स्तवन आदि से, स्वरूप के अवलोकन से, स्वरूप का विचार करने से, उनके वचनों को सुनने से, उनके अनुसार परिवर्तन करने से ऐसी सिद्धि तो होती है, परंतु जिससे इंद्रिय जनित सुख उत्पन्न हो तथा दुख का विनाश हो ऐसे भी प्रयोजन की सिद्धि इनके द्वारा होती है या नहीं, कि आत्मसुख की सिद्धि तो अर्यंतादिक से हो रही है लेकिन धन की प्राप्ति, लौकिक सुख की प्राप्ति, इंद्रिय भोगों की सुख रूपी प्राप्ति, वो प्रयोजन की सिद्धि भी अर्यंतादिक से होती है कि नहीं होती है, इस पर मैंने विचार करने को बोला था। किसी ने कोई विचार किया हो तो बताएं कि होती है कि नहीं होती है। नहीं होती है, आपका कहना यह है, और बाकी का होती है कि नहीं होती है? होती है, कैसे होती है? अर्यंत आदिक से इंद्रिय भोगों की प्राप्ति, धन की प्राप्ति आदि जो लौकिक प्रयोजन है हमारे, धन प्राप्त करना, इंद्रिय भोगों को भोगना इत्यादि जो सुख की प्राप्ति है वो भी अर्यंत आदिक से होती है कि नहीं होती है? तो कैसे होती है वही पूछ रहा हूँ मैं। देखो अब इसका समाधान पंडित जी करेंगे, देखते हैं आगे। नहीं तो देखते हैं पंडित जी क्या कहते हैं, है ना। ये आपके विचार हैं कि अर्यंत आदिक से ऐसे सुख की प्राप्ति होती है, अब पंडित जी क्या कहते हैं वो देखते हैं उसका समाधान। नहीं होती है मैं भी मान रहा हूँ, होती है मैं भी मान रहा हूँ, लेकिन कैसे होती है उसको पंडित जी बताएंगे, ठीक है। उसका समाधान पंडित जी कह रहे हैं आगे कि जो अर्यंत आदि के प्रति स्तवन आदि रूप विशुद्ध परिणाम होते हैं उनसे अघातिया कर्मों की साता आदि पुण्य प्रकृतियों का बंद होता है, और यदि वे परिणाम तीव्र हों तो जो पूर्व काल में असाता आदि पाप प्रकृतियों का बंध हुआ था उन्हें भी मंद करता है अथवा नष्ट करके पुण्य प्रकृति रूप परिणमित करता है। कि जो अर्यंत आदि के प्रति हमारे स्तवन आदि रूप भाव हैं, और वो भाव कैसे हैं, विशुद्ध रूप। विशुद्ध का और क्या नाम बताया था कल मैंने, मंद कसाय, और उसे एग्जाम्पल बताए थे, और क्या नाम बताया था, एक नाम और बताया था, कसाय रहित तो शुद्ध परिणाम है। देखो कल जब आत्मा के तीन परिणाम बताए थे, संकलेश विशुद्ध और शुद्ध, एक तो संकलेश विशुद्ध और शुद्ध, संकलेश का नाम अशुभ भाव, विशुद्ध का नाम शुभ भाव और शुद्ध का नाम शुद्ध भाव। संकलेश का नाम तीव्र कसाय रूप भाव, विशुद्ध का नाम मंद कसाय रूप भाव और शुद्ध का नाम कसाय रहित भाव, है ना, ऐसे तीन नाम बताए थे। तो जो अर्यंत आदि के प्रति हमारे स्तुति रूप भाव हो रहे हैं, विशुद्ध उसका ही नाम शुभ है, उसका नाम ही मंद कषाय रूप भाव है। जो मंद कषाय रूप भाव है उन्हीं को शुभ भाव कहते हैं और उन्हीं को विशुद्ध भाव कहते हैं। तो जो अर्यंत आदि के प्रति हमारे स्तुति रूप भाव हो रहे हैं, उनकी भक्ति रूप भाव हो रहे हैं, उनकी दर्शन के, पूजन के,
आदि रूप जो हमारे भाव हो रहे हैं उनके वचनों को सुनने के, उनके स्वरूप पे विचार करने से, उनके निकटवर्ती होने के जितने भी भाव हो रहे हैं हमारे, वो कैसे हैं, विशुद्ध परिणाम हैं। तो और पंडित जी आप पहले बता के आए हैं कि यदि परिणाम विशुद्ध हों तो उनसे क्या होता है, पुण्य बंद होता है। तो यहाँ भी कह रहे हैं कि जो विशुद्ध परिणाम होते हैं स्तवन आदि रूप, उनसे अघातिया कर्मों की साता आदि पुण्य प्रकृतियों का बंध होता है। साता कौन सी प्रकृति का भेद है, साता कौन सी कर्म का भेद है, वेदनीय कर्म के दो भेद हैं, साता और असाता। इसमें लिया अघातिया कर्मों की साता आदि पुण्य प्रकृतियों का बंध होता है। तो घातिया कर्मों के बारे में बात नहीं की यहाँ पे, यहाँ अघातिया कर्मों की बात की, क्योंकि जो घातिया कर्म है उन घातिया कर्मों की सभी प्रकृतियाँ पाप रूप ही हैं, उनमें से कोई प्रकृति पुण्य रूप नहीं है, है ना। तो जब तक सम्यक दर्शन नहीं होता है ना, जब तक सम्यक दर्शन नहीं होता तब तक अनंतानुबंधी आदि, फिर आप प्रज्ञा खाना वरण भी है, प्रज्ञा खाना वरण भी है वो चारित्र की अपेक्षा है। तो जो दर्शनावरण ज्ञानावरण है मोहिनीय है, जितना जितना मोहिनीय कम हुआ उतना, जितना ज्ञानावरण का छवसम हुआ, जितना दर्शनावरण का छवसम हुआ उतना उतना उनका प्रकट है। लेकिन जब तक पूर्ण रूप से घातिया क्रम नष्ट नहीं हो जाते तब तक उनका बंध निरंतर चलता है, और घातिया कर्मों का, और घातिया कर्मों की मतलब वो घातिया कर्मों में ही आएंगी। घातिया कर्मों में क्यों आएंगी, वो तो और नौ कसाय 25 कसाय हैं वो घातिया कर्मों में आती हैं, घातिया कर्मों में आती हैं, घाती कर्मों में क्यों आती हैं, घातिया कर्मों में तो कसाय घातिया कर्मों में कसाय नाम का तो कोई कर्म नहीं है, तो फिर ये कसाय घातिया कर्मों में कैसे है, तो भी घातिया कर्मों में नाम क्यों नहीं है इसका, क्योंकि मोहिनीय के भेद हैं, मोहिनीय का नाम तो है उसमें, घातिया कर्म है कि नहीं मोहिनीय, और ये कसाय जो है किसके भेद हैं, मोहिनीय के भेद हैं, तो मोहिनीय कर्म है ना वो, तो इसलिए घातिया कर्म है। तो भेद किसके हैं, वो मोहिनीय कर्म के 25 और 3 28 भेद होते हैं मोहिनीय कर्म के, 25 और 3 तीन दर्शन मोहिनीय के और 25 चारित्र मोहिनीय के, दर्शन मोहिनीय तीन कौन से भेद के, हालांकि जब तक जीव सम्यक सन्मुख नहीं होता है तब तक एक ही भेद रहता है उसका, लेकिन जब सम्यक के सन्मुख होता है, जब वो पहली बार सम्यक दर्शन प्राप्ति की तरफ, हाँ वही बता रहा हूँ मैं कि अनादि से जीव को उन तीन में से एक ही हो रहा है मिथ्यात्म नाम का, है ना, दर्शन मुनि के भेद हैं तीन, उनमें से मिथ्यात्म नाम का ही हो रहा है। लेकिन जब जीव पहली बार सम्यक दर्शन करने के लिए जाता है, जब उस समय सम्यक दर्शन करता है तो उस समय उसके दर्शन मुनि के तीन भेद हो जाते हैं, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यत्व, ऐसी तीन प्रकृतियाँ हैं उसकी भी दर्शन मुनि की, है ना। गौमठ सार में एक एग्जाम्पल आता है कि जैसे अनाज को पीसा जाता है, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यत्व प्रकृति, ये सम्यत्व प्रकृति और सम्यक दर्शन दोनों अलग चीज हैं, है ना। ये सम्यत्व प्रकृति है मीन्स उस जीव को सम्यक दर्शन है लेकिन उसमें कुछ दोष लग रहे हैं, सम्यक दर्शन है लेकिन कुछ चलमर अगाड़ दोष लगते हैं उसमें, कुछ छोटे मोटे दोष लगते हैं, तो फिर उसको सम्यक प्रकृति में लिया जाता है कि उसका दर्शन मोहिनी अभी पूरी तरह से नष्ट नहीं हुआ एक तरह से, है ना, उस तरह से ये सम्यक प्रकृति अलग है और सम्यक दर्शन अलग है। तो ऐसे ये तीन भेद इसके हैं और 25 भेद उसके हैं, ऐसे 28 भेद हैं टोटल। तो 148 प्रकृति की बात की जाती है तो मोहिनी के 28 प्रकृति ली जाती हैं, तब टोटल 148 आता है, है ना, इसलिए मैंने बता दिया। तो उनके प्रति जो स्तवनादि रूप भाव हैं वो विशुद्ध परिणाम हैं, और उनसे अघातिया कर्मों की साता आदि पुण्य प्रकृतियों का बंध होता है, कि जो अघातिया प्रकृति हैं उसमें पुण्य और पाप के भेद पड़ते हैं,
कि जैसे वेद नियम में साता साता है, आयु कर्म में भी मनुष्य आयु है, देव आयु है, वो पुण्य रूप है, तीयंच नरक आयु पाप रूप है, तो इस तरह से अगातिया कर्मों में पुण्य और पाप के भेद पड़ते हैं। तो इन विशुद्ध परिणामों से जो अगातिया कर्म है, उन अगातिया कर्मों में साता आदि पुण्य प्रकृतियों का बंध होता है, और यदि वो जो विशुद्ध परिणाम है यदि वो तीव्र हों तो जो पूर्व काल में असाता आदि पाप प्रकृतियों का बंध हुआ था उन्हें भी मंद करता है अथवा नष्ट करके पुण्य प्रकृति रूप परिणमित करता है, कि या तो उनको मंद कर देगा और या फिर उनको नष्ट करके पुण्य रूप परिणमित कर देगा। हाँ, यदि विशुद्ध परिणाम तीव्र हों जिनसे साता आदि का बंध होता है, पुण्य आदि बंध होते हैं, वो परिणाम यदि तीव्र हों तो पहले जो हमने पाप कर्म बांधे हैं उनको या तो मंद कर देगा या फिर उनको नष्ट करके उनको पुण्य रूप कर देगा। उनको नष्ट करके पुण्य रूप ही कर दे ऐसा जरूरी नहीं है, मंद भी कर सकता है, नष्ट करके पुण्य रूप भी कर सकता है। जैसे राजा सैनिक हैं, राजा सैनिक ने नरक आयु बांध ली, तो नरक आयु कैसी है? पाप रूप है, तो उन्होंने वो पाप रूप बंद कर लिया। तो उसके बाद उन्होंने सम्यक दर्शन किया, विशुद्ध परिणाम तीव्र रूप किए, तो उससे ऐसा नहीं है कि वो परिणाम नष्ट करके आयु को पुण्य रूप कर दें, मनुष्य या देवायु रूप कर दें, कि नहीं, उसको उन्होंने मंद कर दिया, कि जो सातवें नरक का बांधा था वो पहले नरक का कर दिया। तो ऐसे मंद कर सकता है और किसी का नष्ट करके पुण्य प्रकृति रूप परिणमित कर सकता है, कि जो प्रकृति पुण्य रूप परिणमित हो सकती है उसी प्रकृति को पुण्य रूप कर सकता है, है ना? नहीं, पाप को पुण्य रूप कर सकता है, लेकिन पाप रूप प्रकृति जो पुण्य रूप हो सकती है, जैसे नरक आयु है तो मनुष्य आयु रूप नहीं हो सकती, वो नरक आयु ही रहेगी, तो वहाँ उसको मंद ही करेगा, नष्ट नहीं कर सकता, है ना? तो जिसको मंद कर सकता है वहाँ मंद हो जाएंगे, और जो नष्ट होकर पुण्य रूप हो सकते हैं वो पुण्य रूप हो जाएंगे। ऐसे विशुद्ध परिणामों की अवस्था है। देखो, उसमें ये भी है कि परिणामों से ही घटावरी हो रही है ऐसा भी नहीं कह सकते, परिणाम और कर्मों का बंधना दोनों कैसे निमित्त नैमित्तिक संबंध है। परिणामों का बंधना अपनी योग्यता से है और परिणाम अपनी योग्यता से है, उनमें निमित्त नैमित्तिक संबंध है, कि जिस समय पुण्य रूप बंधना था उस समय परिणाम विशुद्ध रूप हो गए, तो ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है उसमें। तो इस तरह से वो परिणाम तीव्र हों तो पूर्व काल में जो असाता आदि पाप प्रकृतियों का बंध हुआ था उन्हें भी मंद करता है अथवा नष्ट करके पुण्य प्रकृति रूप परिणमित करता है। अब पुण्य का बंध हो रहा है और पाप रूप जो प्रकृति है वो भी मंद हो रही है या पुण्य रूप परिणमित हो रही हैं, तो पुण्य से क्या होगा? और उस पुण्य का उदय होने पर स्वयमेव इंद्रिय सुख की कारणभूत सामग्री प्राप्त होती है, तथा पाप का उदय दूर होने पर स्वयमेव दुख की कारणभूत सामग्री दूर हो जाती है। इस प्रकार इस प्रयोजन की भी सिद्धि उनके द्वारा होती है, कि इंद्रिय सुख आदि की प्राप्ति की जो प्रयोजन है उसकी सिद्धि भी इस प्रकार होती है, कि जो पुण्य का उदय आएगा तो उस समय इंद्रिय सुख आदि की सामग्री मिल जाएगी। इसमें एक वर्ड लिया स्वयमेव, मीन्स ऐसा नहीं है कि पुण्य सामग्री को लाता है, हाँ, कि ऐसा नहीं है कि पुण्य उस सामग्री को ला के देता है, कि जिस समय पुण्य का उदय आया उस समय उस सामग्री का ऐसा परिणमन हुआ, है ना? जैसे हाँ, निमित्त नैमित्तिक संबंध है पुण्य के उदय में, जैसे कर्म का बंध है और परिणाम है उसमें निमित्त नैमित्तिक संबंध है, वैसे ही कर्म का उदय और उस उदय जनित सामग्री उसमें भी निमित्त नैमित्तिक संबंध है। तो इसलिए लिखा कि पुण्य का उदय होने पर स्वयमेव, पुण्य नहीं लाता, पुण्य का उदय होने पर स्वयमेव इंद्रिय सुख की कारणभूत सामग्री प्राप्त होती है। कैसे? तो ऊपर पहली लाइन बताई थी ना, अर्यंत आदि के प्रति स्तवन आदि रूप जो भाव है वो विशुद्ध परिणाम है, मंद कषाय रूप है, तो उससे पुण्य बनता है, और यदि परिणाम तीव्र हो जाए जो उसको भी आगे और खोलेंगे, अभी आगे आएगा विषय पूरा। थोड़ा सा पढ़ने में ऐसा नहीं लग रहा है, अब अपन तो मतलब यही सोचेंगे कि देखो अनंत आदि को, फिर अपन लोग उनको वैसा नहीं मानने लगेंगे कि देखो
तो है ना देखो, इस ग्रंथ की और पंडित टोडामल जी की ये विशेषता है कि जिस समय आप जो लाइन पढ़ रहे हो उसमें आपको जो शंका उठ रही है उसका समाधान आगे की लाइन में पंडित टोडामल जी खुद देते हैं। वो खुद ये चीज़ एनालाइज करते हैं कि सामने वाले के मन में क्या शंका उठेगी, तो उसका वो समाधान आगे करेंगे, इसका भी समाधान वो करेंगे आगे। इंद्र सुख की प्राप्ति होती है, हाँ, तो उसका समाधान आगे होगा, इसलिए मैं उसको यहाँ नहीं खोल रहा, उसको आगे ही खोलूंगा। उस पुण्य का उदय होने पर स्वयमेव इंद्रिय सुख की कारणभूत सामग्री प्राप्त होती है, और पाप का उदय दूर होने पर स्वयमेव दुख की कारणभूत सामग्री दूर हो जाती है। एक बात तो ये, और दूसरी बात इसमें ये है कि जिस समय पुण्य का उदय आया उस समय हमें वो सामग्री इष्ट रूप लगने लगी, और जिस समय पाप का उदय आया उस समय वही सामग्री हमको अनिष्ट रूप लगने लगी। मीन्स पुण्य के उदय में वही सामग्री सुख का कारण बन जाती है, और पाप के उदय में वही सामग्री दुख का कारण बन जाती है। जैसे पंखा है, तो पंखा गर्मियों में कैसा लगता है? अच्छा लगता है, और सर्दियों को ही चला दे तो हमको दुख रूप लग रहा है ना। तो हमको एक ही वस्तु किसी समय इष्ट लग रही है, किसी समय अनिष्ट लग रही है। तो किसी ने पंखा चला दिया मीन्स उस समय हमारा उदय अच्छा नहीं है, असाता वेदनीय का उदय है ना। तो मीन्स पुण्य या पाप उस सामग्री को नहीं ला रहे हैं, और पुण्य और पाप उसको इष्ट या अनिष्ट नहीं करवा रहे हैं, वो हमारी खुद की मान्यता में हो रहा है। पुण्य और पाप ने पंखे में कुछ भी नहीं किया, वो हमारी मान्यता में आया कि गर्मियों में अच्छा लगना और सर्दियों में बेकार लगना, गर्मियों में सुख का कारण लगना और गर्मियों में वही दुख का कारण लगना, वो हमारे अकॉर्डिंग हो रहा है, हमारी मान्यता में हो रहा है, उसको कर्म ऐसा कह रहा है ऐसा नहीं है। तो इसीलिए लिखा कि पुण्य का उदय होने पर स्वयमेव इंद्रिय सुख की कारणभूत सामग्री प्राप्त होती है, और पाप का उदय दूर होता है तो उससे स्वयमेव दुख की कारणभूत सामग्री दूर हो जाती है। इस प्रकार इस प्रयोजन की भी सिद्धि उनके द्वारा होती है। किन के द्वारा होती है? अरिहंत आदि के द्वारा होती है, अथवा जिन शासन के भक्त देवादिक हैं वे उस भक्त पुरुष को अनेक इंद्रिय सुख की कारणभूत सामग्रियों का संयोग कराते हैं और दुख की कारणभूत सामग्रियों को दूर करते हैं। इस प्रकार भी इस प्रयोजन की सिद्धि उन अरिहंत आदिक द्वारा होती है कि जैसे जिन शासन के भक्त हैं देवादिक, वो कोई भक्त पुरुष है उसकी किसी काल में उन्होंने सहायता कर दी है ना, और उनको कोई दुख का कारण बन रहा तो सामग्री को दूर कर दिया, तो इस प्रकार भी उस प्रयोजन की सिद्धि अरिहंत आदि द्वारा होती है। लेकिन उससे ऐसा नहीं है कि वो देवादिक किसी को सामग्रियों का संयोग करा ही दें, उसका पुण्य का उदय हो उस समय तो उस पुरुष को ऐसा निमित्त नैमित्तिक बन गया कि उस देव के ऐसे भाव हुए और उस जीव के पुण्य का उदय हुआ, तो ऐसे निमित्त नैमित्तिक रूप संबंध बन के। वैसे व्यवहार में भी कहने लगते हैं कि कोई अच्छा नहीं, अपना बुरे दिन आ रहे हैं सब कहने में आ जाता है, तो अपने सब लोग दूर हो जाते हैं अपन से, यानी तो कोई उसको सहयोग वही नहीं करता उसको वही उसका। निमित्त नैमित्तिक रूप संबंध है कि हमारे कर्मों का उदय ऐसा आया उसके अकॉर्डिंग उनका परिणाम ऐसा हुआ, लेकिन कर्मों के उदय ने उनका परिणाम कराया ऐसा नहीं है। कर्म के उदय उस समय निमित्त रूप से और वो नैमित्तिक रूप से, इस तरह से उस समय भी निमित्त नैमित्तिक रूप संबंध है उसमें कि कर्म ही ऐसा परिणाम करा रहे हैं ऐसा नहीं है कि यदि कर्म के कारण ही ऐसा परिणाम होने लगे तो भी जीव मुक्ति नहीं हो पाएगा। तो कर्म के कारण परिणाम हो रहे हैं ऐसा नहीं है, लेकिन वो निमित्त नैमित्तिक संबंध बने रहे हैं, वो निमित्त रूप से वहां उपस्थित है, लेकिन निमित्त से कार्य नहीं होता, इसीलिए कर्म से ऐसे परिणाम ऐसा आवश्यक नहीं है। कर्म के होने पर भी हम ऐसे परिणामों को दूर करके कर्म को नष्ट कर सकते हैं, और कर्म को नष्ट ऐसे ही किया जाएगा यदि कर्म के अकॉर्डिंग ही परिणाम होने लगे, तो फिर घातिया घातिया कर्मों का उदय तो तीर्थंकर भगवान को भी था, जब वो अनादिकाल से भ्रमण कर रहे थे तो उनको भी था, तो उनको भी नष्ट नहीं होते यदि कर्म ही परिणाम कराते तो कर्म परिणाम नहीं कराते, लेकिन परिणाम के समय वैसा निमित्त मिल जाता है। तो भाई मैं कह रहा हूँ ना, वैसा निमित्त बन जाता है कि ऐसे कर्म का उदय आना था ऐसा ही हमारा परिणाम बन गया, कि जैसे अभी साता विधि का उदय आना था तो कोई सामग्री हमको सुखरूप लगने लगी,
और जब असाताभिज्ञ का उदय आना था तो वही सामग्री हमको दुख रूप लगने लगी। तो साताभिज्ञ ने ऐसा किया ऐसा नहीं है, या असाताभिज्ञ ने ऐसा किया ऐसा भी नहीं है, वो निमित्त नैमित्तिक रूप संबंध। और इसलिए यहाँ पे लिखा कि पुण्य का उदय होने पर स्वयमेव इंद्रिय सुख की कारणभूत सामग्री प्राप्त होती है, स्वयं से होती है वो, और पाप का उदय दूर होने पर स्वयमेव दुख की कारणभूत सामग्री दूर हो जाती है। इस प्रकार इस प्रयोजन की भी सिद्धि उनके द्वारा होती है। अथवा जिन शासन के भक्त देवादिक हैं वे उस भक्त पुरुष को अनेक इंद्रिय सुख की कारणभूत सामग्रियों का संयोग कराते हैं और दुख की कारणभूत सामग्रियों को दूर करते हैं, कि जरूरी नहीं है कि हर भक्त पुरुष की देव सहायता करी दें, कि जैसे आदिनाथ भगवान हैं उनको 6 महीने तक आहार नहीं मिला, तो ऐसा तो है नहीं वो उनके भक्ति ना हो या उनके पुण्य का उदय उनके मीन्स उनके परिणाम अच्छे ना हो या फिर देवादिक को जानना नहीं हुआ हो, सब चीज़ हो रही थी। वही जो भरत है, भरत को ही पता था कि आहार नहीं हो पा रहा है ना, और देवादिक को ही पता था कि आहार नहीं हो रहा है, जबकि गर्भ से लेके अभी तक देवों ने सारी सामग्री उपलब्ध कराई उनको, लेकिन 6 महीने में शाह का निमित्त ही नहीं बना, क्योंकि ऐसा उदय ही नहीं था, ऐसा नैमित्तिक रूप भाव होना ही नहीं था। नहीं, 6 महीने तक आहार नहीं मिला, ऐसा बोलते हैं कि उन्होंने पहले राज्य काल में पशुओं के मुख पे वो बंधवाई थी, इसलिए उनको ऐसा उदय आया, लेकिन जरूरी नहीं है इसके कारण ही आया हो, ये भी एक निमित्त रूप हो सकता है और कोई भी कारण हो सकता है उसका, केवल यही कारण हो ऐसा नहीं है कि केवल इतने ही कार्य से उनको ऐसा बंध हुआ हो, लेकिन दोनों में 6-6 महीने का है कि वहाँ 6 महीने के लिए बंधवाई और यहाँ भी उनको 6 महीने का उदय आया, तो ऐसा कह दिया। हाँ, जो भी थी, तो ऐसा नहीं कि उसके कारण ही ऐसा उदय आया, वो भी एक कारण हो सकता है, एक कार्य में अनेक कारण होते हैं, ऐसा नहीं है कि जो कार्य हो रहा है उसमें कारण एक ही है, अनेक कारण हो सकते हैं। तो 6 महीने उनको आहार नहीं मिला, उसमें उनके असाताभिज्ञ का भी उदय हो सकता है, किसी और उन्होंने कोई कार्य किया हो उसके कारण ऐसा बंध बंधा हो, वो भी हो सकता है, तो बहुत कारण हो सकते हैं, उसको केवल ही जानते हैं, हम नहीं जान सकते कि क्या कारण है। तो उस समय उनको भी जिन शासन के तो भक्त हैं देवादिक हैं उनके बेटे भरत बाहुबली हैं चक्रवर्ती हैं वो भी उनकी सहायता नहीं कर पाए। तो इससे क्या पता चलता है कि जब उनके पुण्य का उदय हो उस समय उनके ऐसे भाव बनेंगे कि जब उनको आर का उदय का निमित्त बनना था तो उनको स्वप्न आ गया, मीन्स उनको उन राजा को राजा श्रेयांश को उसका पूर्व भव का स्मरण हो गया, जाति स्मरण कि आहार की विधि ऐसी होती है, तो वो विधि मिल गई। तो उनके पुण्य का उदय आना था और उनको जाति स्मरण होना था, ऐसा निमित्त नैमित्तिक रूप संबंध बनते हैं। तो जिन शासन के भक्त देवादिक हैं वे उस भक्त पुरुष को अनेक इंद्रिय सुख की कारणभूत सामग्रियों का संयोग कराते हैं और दुख की कारणभूत सामग्रियों को दूर करते हैं। इस प्रकार भी इस प्रयोजन की सिद्धि उन अर्यंतादिक द्वारा होती है, परंतु इस प्रयोजन से कुछ भी अपना हित नहीं होता, क्योंकि यह आत्मा कषाय भावों से बाह्य सामग्रियों में इष्ट अनिष्टपना मानकर स्वयं ही सुख दुख की कल्पना करता है। समय हो गया, इसको आगे लूँगा। अभी इसमें यह आया कि अर्यंत आदि से इंद्रिय सुख की सामग्री प्राप्त होती है, उस प्रयोजन की सिद्धि होती है। तो हम मंदिर जी में इस प्रयोजन से आए कि नहीं आए, इंद्रिय सुख की प्राप्ति होती है, तो फिर जैसे हम कहते हैं कि भाई अन्य जनेतर लोग हैं वो भी अपने मंदिरों में जाते हैं, भगवान से कुछ मांगने जाते हैं, धन की प्राप्ति हो, पुत्र की प्राप्ति हो, लौकिक सुख की प्राप्ति हो, तो अर्यंत आदि से भी यदि इंद्रिय सुख आदि की प्राप्ति हो रही है तो हम भी इसी भाव से मंदिर में आए कि भाई हमको भी धन की प्राप्ति हो, लौकिक सुख की प्राप्ति हो, तो वो सही है कि नहीं है, और वास्तव में प्रयोजन की सिद्धि होती है कि नहीं होती है। मैं दोबारा क्वेश्चन को वहीं छोड़ रहा हूँ कि प्रयोजन की सिद्धि वास्तव में होती है कि नहीं होती है। इसमें तो लिखा उन्होंने कि इस प्रकार इस प्रयोजन की भी सिद्धि अर्यंत आदि के द्वारा होती है, लेकिन होती अपना हित तो नहीं होता। एक ऐसे प्रयोजन की सिद्धि वास्तव में होती है, तो हम ऐसे प्रयोजन के साथ जाएं कि नहीं जाएं, जाएं तो क्यों जाएं और नहीं जाएं तो क्यों नहीं जाएं, है ना, उस पर विचार करना, उस पर कर चर्चा करेंगे।
इसी पेज पर उसका आंसर है, आप पढ़ के विचार कर सकते हो। इसी पेज पे आंसर है आगे, जो अभी लाइन पढ़ी नहीं है मैंने उस पर आगे आंसर है, नेक्स्ट पैराग्राफ है जो कि इस प्रयोजन के हेतु देखो पाप के उदय के समय सामग्री का संयोग ऐसा हो सकता है जो दुख रूप लगे, लेकिन उस समय हमने दुख रूप माना तो हम उस उदय में बह गए। जैसे मुनिराज हैं, मुनिराजों को ऐसा तो है नहीं हमेशा पुण्य का उदय रहता है, पाप का उदय भी आता है, तो पाप के उदय में जब उनको उपसर्ग हुआ तो यदि वो भी दुख रूप मानने लगे उसको तो फिर वो भी उनके ही बंद हो जाएगा अगला, है ना। तो हम भी क्या कह रहे हैं कि जब पाप का उदय आया उस समय हमें सामग्री ऐसी मिली तो हमने उसके अकॉर्डिंग परिणमन कर लिया अपना कि उसको दुख रूप मान लिया, तो हमने अगला बंद भी पाप रूप कर लिया। यदि हम उस समय विचार करते, वस्तु स्वरूप का विचार करते वास्तव में कि कोई दुख आया, मामूली सा दुख आया, छोटा सा दुख आया, कोई जैसे बीमारी हो गई पाप के उदय से, तो हम उसमें ही दुखी मानने लगे अपने आप को, संकलेश रूप परिणाम करने लगे, तो उसमें हमारा आगे का बंध भी पाप रूप होगा। लेकिन उस समय यदि हम विचार करें वस्तु स्वरूप का वास्तव में कि ये जो बुखार आया है या कोई भी बीमारी हुई है वो देह को हुई है, मुझे नहीं हुई, मैं तो अनादि से हूँ, अनादि ही और अनंत काल तक रहूँगा, तो ये देह को हुआ है, मुझको नहीं हुआ, मैं अपने आप में दुख क्यों मान रहा हूँ, ऐसा वस्तु स्वरूप का यदि हम विचार करें तो वो परिणाम जो हमारे दुख रूप होने थे वो दूर होते हैं। ऐसा नहीं है पाप कर्म से परिणाम दुख रूप होते हैं, इसलिए मैंने बोला कि पाप कर्म से परिणाम दुख रूप नहीं होते, पाप कर्म के उदय के कारण में हम अपने परिणाम ऐसे कर लेते हैं। तो हमें उस चीज़ का विचार करना है कि वास्तव में हमें अपने परिणाम कैसे करने उस समय, कि उदय तो पुण्य पाप का आता है, पुण्य का भी आता है पाप का भी आता है, तो पुण्य के उदय में हम बहे नहीं और पाप के उदय में हम उसमें रुलें नहीं, पाप के उदय के अकॉर्डिंग नहीं चलें। तो पुण्य का उदय हो या पाप का उदय हो, उस समय वस्तु स्वरूप का विचार रहे तो वो उदय हमारा आके निकल जाएगा। उदय तो जो हमने बांधा है वो आएगा ही आएगा, क्योंकि कर्म ईमानदार हैं, ईमानदार हम नहीं हैं बस, बाकी कर्म अचेतन होते हुए भी उनमें कोई जानने समझने की बुद्धि नहीं है, लेकिन फिर भी वो समझदार हैं, ईमानदार हैं, कहाँ हमको किस प्रकृति रूप परिणमित होना है वो सब वो भली भांति करते हैं। हमने कोई भाव किया उस एक ही भाव से ज्ञानावरण का ही बंद होता है, दशनावरण का ही बंद होता है, मोहिनी का भी होता है, अंतराय का भी होता है, अगातिया का भी होता है, सबका बंद होता है। तो भाव वो कर्म इतना ईमानदार है, वो कामान बरगना जो हैं इतनी ईमानदार हैं कि इस भाव में कितना हमको ज्ञानवरण रूप होना है, कितना हमको दर्शनावरण रूप होना है, कितना मोहिनी रूप होना है, उसमें भली भांति सिस्टमेटिकली वो सब में डिस्ट्रीब्यूट होती हैं। तो वास्तव में इस चीज़ से हम अपने आप में ईमानदार हैं कि वास्तव में हम कर्मों की सेवा ना करें, कि कर्म तो अपनी सेवा करवा रहा है हमसे, हम कर्मों की सेवा ना करें, हम वास्तव में अपने स्वरूप को जान के अपने स्वरूप में रहें, तभी वास्तव में स्वाध्याय की और मनुष्य पर्याय की सार्थकता है। हम सभी मोक्ष मार्ग प्रकाशक को पढ़ते हुए मोक्ष के मार्ग का प्रकाशन करें, तभी वास्तव में इस ग्रंथ की सार्थकता है। इसी मंगल भावना के साथ निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है।